हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं एक ईरर के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी एक्चुअली बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं ले पाया कंटिन्यू। उसके लिए मैं दोस्तों आपसे क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों, ये मेरी एक फोटोकॉपी यार मशीन है मेरे पास में, कैनन इमेज ग्लास। उसका स्क्रीन के ऊपर मैंने स्क्रीन शॉट लेके रखे हैं, उन्हीं से आपको बताऊंगा किस प्रकार से इस ईरर को जो है दूर करें। तो आप देख पा रहे होंगे, दिस फंक्शन इज करंटली अनेबल, यू कैन यूज अदर फंक्शन फ्रॉम दी मेन्यू की। और नीचे आप देख पा रहे होंगे एक ईरर टर्न ऑफ ऑन, ये एक कहानी की तरह इस इन्होंने दिया है। और आप कॉल फॉर सर्विस सेंटर, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सर्विस सेंटर कॉल करें, उससे पहले इस ईरर को आप खुद किस प्रकार से सोल्व करें इसके बारे में बताऊँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को पर्सनलाइज से ऑल पर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस हीरर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोटोकॉपी मशीन को जैसे आप ऑन करते हैं, तो आपको रीसेट का बटन दिख रहा होगा। रीसेट का बटन दबाने के बाद 2 और 8 की और 2 की को एक साथ में प्रेस करना है दोस्तों। तो आपके सामने जो सर्विस मोड लेवल 1 करके जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये आ जाएगी। इसके अंदर सबसे ऊपर ऊपर ऑप्शन जो है कॉपियर का ऑप्शन है, उसके बाद हम कॉपियर को प्रेस करेंगे। कॉपियर को प्रेस करने के बाद दोस्तों, हमें जो है फंक्शन के ऊपर जाना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही हमें एरर का पता चल पाएगा। जैसे हम फंक्शन के ऊपर जाएंगे, तो दोस्तों आपको क्लियर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर प्रेस करना है दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, क्लियर का ऑप्शन लगातार 3 बार प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप क्लियर को 3 बार प्रेस करेंगे, उस टाइम पे आपको और कुछ नहीं करना है। और ये इस प्रकार से आपके सामने ERDCCON RCON करके ऑप्शन आएंगे दोस्तों। इनको जैसे आप DCCON पे जाएंगे, तो आपके सामने ईरर ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इन पर सभी पर आपको DCCON पे जाके या एरर पे रिकॉन पे इन पे जाके आपको यहाँ से नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ओके का, इसको प्रेस करना है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद आपको आपकी फोटोकॉपी मशीन को रिस्टार्ट करना है। आई होप कि इससे आपकी फोटोकॉपी मशीन जो है ठीक हो जाए। अगर नहीं होती है तो दोस्तों, उसके बाद में आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप सर्विस सेंटर ही लेके जाएं। क्योंकि दोस्तों, आप अगर अपनी फोटोकॉपी मशीन को खुद से खोलेंगे, तो हो सकता है कोई पार्ट आप बंद करते टाइम या खोलते टाइम कुछ भूल जाए और मिसप्लेस हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो दोस्तों डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।